उभरती फुटबॉलर और कॉन्टिनेंटल क्लब टूर्नामेंट में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला। मनीषा कल्याण ने भारत में अब महिला फुटबॉल के भविष्य को बेहतर होने का उम्मीद दिखाया, जबकि कुछ साल पहले तक इस क्षेत्र में करियर बनाने को लेकर कोई संभावना नहीं दिखती थी। मनीषा पंजाब के होशियारपुर जिले के मोंगवाल गांव की रहने वाली हैं, जिनका जन्म 27 नवंबर 2001 को हुआ था। यह 6वीं कक्षा तक फुटबॉल खेलने से पहले स्प्रिंटिंग में थी और 100 एवं 200 मीटर के दौड़ में खूब भाग लिया करती थी। एक बार इनको फुटबॉल खेलने के लिए इनके पीटी टीचर ने प्रेरित किया, लेकिन यह खेल उनके गाँव का लोकप्रिय खेल नहीं था। इसके वजह से उनके लिए इस खेल में आने का फैसला लेना काफी मुश्किल था। बावजूद इसके इन्होंने इसको खेलने के लिए सहमति दी। जिला फुटबॉल टीम में इन्हें चयनित किया गया और इन्होंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया, जिसके बाद उन्हें फुटबॉल सीखने के लिए लगभग रोज 15 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी। कभी कभी ही ऐसा होता था जब उन्हें साइकिल मिल जाती थी, लेकिन उन्होंने फुटबॉल खेलने के लिए मन बना लिया था तो फिर ये दूरी उनके इरादों को कम न कर सकी। प्रैक्टिस के लिए इन्होंने कई बार उच्च रैंक की टीमों के साथ फुटबॉल सिर्फ अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए खेला। प्रैक्टिस के दौरान लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने पर गांव के कई लोग इन्हें ताने मारते थे कि लड़की का लड़कों के साथ गेम खेलना ठीक नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप के सपोर्ट से मनीषा ने ब्राजील के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल करके सुर्खियां बटोरी, जिसके बाद अब वही लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं जो इनको ताना मारते थे। मनीषा ने अपने मेहनत और कर गुजरने के जुनून से लोगों की सोच बदली। कल तक जो लोग इन्हें इस गेम को खेलने के लिए मना करते थे, आज वही लोग इस गेम में इन्हें करियर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके फैन हैं। मनीषा के गांव से ब्राजील तक के किए इस संघर्ष के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।